राइट डाउन हेडिंग लिखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अच्छा ये देखो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला, सबसे पहला है कि रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। देन इसके बाद हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। और दो तरह के रैंडम वेरिएबल हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड देन दूसरा है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये दोनों क्या होते हैं। फिर पढ़ना है हमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड देन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF, इसके बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये रैंडम वेरिएबल होता क्या है ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन है, इस पे बात करते हैं। इसको पढ़ो क्या बोला जा रहा है। अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन अनदर वर्ड, द डोमेन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हाइल इट्स कोडोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो जो रैंडम वेरिएबल होता है वो क्या होता है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, जैसे ये लिखा है इस तरह से, है ना। और जिसका डोमेन क्या होता है, सैंपल स्पेस, और कोडोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या इतनी समझ आई? तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए इसका, ठीक है, नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, ये देख लो, लिखो जल्दी से फटाफट। अ रैंडम वेरिएबल, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, RV। अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, अ फंक्शन फ्रॉम द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। है ना, एंड बी यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो याद करो फंक्शन में इस तरह से लिखा होता था ए और बी, ठीक है, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे ये ए किसका काम कर रहा होता था, डोमेन का, है ना, और ये किसका काम कर रहा होता है, कोडोमेन, कोडोमेन का काम कर रहा होता है। तो ऐसे ही रेंडम वेरिएबल है, रेंडम वेरिएबल जैसे ये एक्स है, ये इसको एक कैपिटल एक्स को रैंडम वेरिएबल का नाम देते हैं, कैपिटल वाई भी हो सकता है, कैपिटल जेड, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ज्यादातर कैपिटल एक्स ही देखने को मिलेगा। तो कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल होगा, इसकी डोमेन क्या है बताओ, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस, और कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। तो नोट डाउन, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, एक फंक्शन है। याद करो सबसे पहले हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी में कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता था बता, कि ऐसा एक्सपेरिमेंट या ऐसा एक्शन जिसमें आउटकम्स क्या क्या आने वाले हैं वो ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए तो एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा ये नहीं पता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ऐसे यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आ गया। तो रैंडम वेरिएबल क्या है,
कि ये सैंपल स्पेस पे अप्लाई होता है। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका डोमेन है सैंपल स्पेस, और उसकी वैल्यू क्या आती है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और इवेंट क्या होता था, इवेंट वॉज, बताओ इवेंट क्या होता था, इवेंट ऑफ ए प्रोबेबिलिटी वॉज, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता था, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे इवेंट और रैंडम वेरिएबल दोनों डिफरेंट है। इवेंट क्या करता है, सैंपल स्पेस का कोई सबसेट बनाता है, लेकिन ये जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या करता है, सैंपल स्पेस को कनेक्ट करता है किसी रियल नंबर से, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, लेट्स से रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन 3 times, टॉसिंग अ कॉइन 3 times, टाइम्स, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन 3 times हो गया, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। लेट्स से इवेंट इज, एक इवेंट ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, लेट्स से इवेंट ई, इवेंट है 2 heads, 2 heads, हाँ? और रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से एक्स, एक्स इज नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ हेड, है ना। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको इवेंट में और रैंडम वेरिएबल में फर्क समझ आए, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स। तो यदि टॉसिंग अ कॉइन 3 times, तो बताओ यहाँ पे जो सैंपल स्पेस आएगा इसमें क्या क्या आ जाएगा, टॉसिंग अ कॉइन 3 times सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, हेड 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 आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, देन हेड टेल हेड आ गया, देन टेल हेड हेड आ गया, ठीक है। तो एक टेल आ गया, अभी 2 tail आएंगे, हेड टेल टेल, देन टेल हेड टेल, देन टेल टेल हेड आ गया, और तीसरा है टेल टेल टेल, ऐसा सिचुएशन आ गया। तो देखो कितने एलिमेंट है सैंपल स्पेस में, देर आर 8 elements इन दिस सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, ई इवेंट की बात की जाए कि ई क्या है, तो ई बताओ इसमें क्या आ जाएगा, ई है 2 heads इवेंट्स में, 2 heads में मतलब ये पर्टिकुलर ये आ जाएगा, हेड हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ, ये कह रहे हैं रेंडम वेरिएबल एक्स जो है नंबर ऑफ हेड, तो यदि आपने कॉइन को 3 times टॉस किया, तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं, एक्स कैन टेक वैल्यूज, एक्स कैन टेक वैल्यूज क्या क्या आ सकती है बताओ, 3, 2 या 1, नहीं 3, 2, 1 या 0। नंबर ऑफ हेड 0 आ सकता है, 0 हेड आएगा, या फिर 1 आ सकता है, 2 times आ सकता है, 3 times, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है, 0, 1, 2, 3, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स आ रहा है, लेकिन इवेंट क्या है, इवेंट इसका सबसेट है, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है यहाँ पे, इस तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सैंपल स्पेस कैसे रैंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लेट्स से सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं, ये सैंपल स्पेस बना देता हूँ, तो बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ हेड 0, क्या ये टेल टेल आ जाएगा, तीनों ही टेल आ जाएंगे, बताओ यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये सोच के ये बताओ कितना आएगा, नंबर ऑफ हेड 1 आना है, तो एक हेड आना है, तो मतलब तो टेल टेल हेड है, टेल 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 है। टेल हेड टेल, देन टेल टेल हेड, ये आ जाएगा इसमें। हाँ अच्छा यहाँ पे बताओ 2, नंबर ऑफ हेड 2 आ रहे हैं,
तो हेड टेल हेड टेल हेड हेड ये आ गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 3 है, तो ये हेड तो हेड 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 ये आ गया। क्या इतनी बात समझे? इज दिस क्लियर? हाँ हाँ सर है ना। तो देखो आपने कि यहाँ पे ये यह आपने पूरा सैम्पल स्पेस इसको मैं डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक हाँ है। अच्छा बताओ, यदि हम बात करें कि पर्टिकुलर इस सिचुएशन में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 आने की प्रोबेबिलिटी, क्या ये 1/8 आएगी? 8 आएगी कि नहीं आएगी? 8 आएगी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी यदि हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड की बताओ, तो ये भी 1/8 आएगी। मतलब हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8 है। तो रैंडम वेरिएबल जब 0 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बताओ, क्या ये 1/8 आ जाएगा? 1/8 हाँ अच्छा, रैंडम वेरिएबल जब 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, क्या ये तीनों का प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगा? हाँ हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 3/8। और ये कितना हो जाएगा? ये भी 3/8 हो जाएगा। और ये 1/8, 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आप देखो कि ये इसका क्या मतलब, इस 1/8 का क्या मतलब है कि पी आई जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी व्हेन रेंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। तो यहाँ पे जैसे कहें कि जो 1/8 प्रोबेबिलिटी है, 1/8 क्या है कि प्रोबेबिलिटी व्हेन रेंडम वेरिएबल कितना है, इज 0। जब रेंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू 0 है तो ये प्रोबेबिलिटी 1/8 है। ये 3/8 क्या बता रहा है? ये जो 3/8 है ये बता रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी कब है, जब रेंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। सेम वे यदि हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी व्हेन रेंडम वेरिएबल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 बात करें, तो बताओ इसमें क्या क्या आ जाएगा। अब जब रेंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 या उससे छोटी है, 2 या उससे छोटी है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी व्हेन रेंडम वेरिएबल इज 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन रेंडम वेरिएबल इज 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन रेंडम वेरिएबल इज 2, यही ना। हाँ ये कितना हो जाएगा? 0, ये 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8, तो कितना हो जाएगा? ये 7/8। इस तरह से आप सोच सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ आया, ये कैसे कैसे ड्राइव हुई प्रोबेबिलिटी। हाँ सर और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, देखने वाली बात है, इसको ऑब्जर्व करो कि सिग्मा पी आई या सिग्मा पी है, सिग्मा पी आई, इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो कितना आएगा बताना? 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, ये कितना आ रहा है वन बताना? 1 आ रहा है। क्यों आ वन रहा है 1? हाँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी है 1 की, किसकी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है? सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है ना, इसीलिए तो ये 1 आ रहे हैं। हाँ सर आपने सारा प्रोबेबिलिटी किस पे निकाला हुआ है? सैंपल स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपने क्या किया, यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द सैंपल स्पेस ओवर दिस रैंडम वेरिएबल, और इसी और करस्पॉन्डिंग आपने प्रोबेबिलिटी लिख दी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि यदि मैं ये जो टेबल है इसको ऐसे लिखूं, रैंडम वेरिएबल इसको ऐसे लिखते हैं, रैंडम वेरिएबल एक्स, और यहाँ पे ये कितना आ रहा है? 0, 1, 2, 3 है ना, और यहाँ पे ये पी आई ऐसे लिखते हैं, पी आई कैपिटल पी एक्स इक्वल टू एक्स आई, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8, 3/8, 3/8, और ये 1/8। तो इसको
इसमें x इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू कैपिटल x लिख दिया, या एक्स आई लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेबल आपने बनाई है, इस तरह की ये जो टेबल बनी है, ये जो टेबल आपने बनाई है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नोट डाउन दिस, ये जो टेबल है इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन किसना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, अरे पूरा सैंपल स्पेस में ये प्रोबेबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ओवर रेंडम वेरिएबल। नोट डाउन दिस, नोट करो फटाफट। समझ आए? अब देखो इसमें रेंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं। रेंडम वेरिएबल के टाइप जो है, दो तरह के होते हैं, एक तो होगा डिस्क्रीट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। देखो डिस्क्रीट में जो वैल्यूज आएंगी, जो डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, वो क्या क्या होंगी? इसकी वैल्यूज हो जाएंगी जैसे रियल नंबर होगा, जो भी आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू डिस्क्रीट होंगी, जैसे यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, डिस्क्रीट है। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, फ्रैक्शनल भी आ सकती है, रैशनल इरेशनल ये सब आ सकती है, लेकिन क्या वो डिस्क्रीट रहेंगी, ठीक है। लेकिन जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसमें एक इंटरवल फॉर्म होगा, कैसे होगा, जैसे एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन माइनस 1, ऐसा कुछ ऐसा फॉर्म। तो ये क्या है, कंटिन्यूस है, ये इसमें क्या हो रहा है, एक इंटरवल फॉर्म हो रहा है, इंटरवल फॉर्म होगा, ठीक है। कि इतनी बात समझ आई? तो अब यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है, आप चाहे तो लिख लीजिए, रैंडम डिस्क्रीट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन, दोनों ही डेफिनेशन में लिखवा देता हूं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, क्या है, अ रैंडम वेरिएबल, अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी डिस्क्रीट क्रीट इफ इट टेक्स आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज, काउंटेबली काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज। अच्छा काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज से क्या मतलब है, कि ऐसा नहीं है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती, इनफाइनाइट होगी लेकिन उनमें गैप होगा, कुछ ना कुछ गैप होगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें गैप नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल इस तरह से इंटरवल फॉर्म करेंगे। इज दिस क्लियर? इसका भी डेफिनेशन लिखवा देते हैं, लिखो कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये क्या होगा? अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, सेट टू बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इफ इट कैन टेक, if it can take any value in the given interval, any value in the given interval. समझ है? तो ये समझ में आ गया. तो मेन चीज ये यहां पे ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यहां पे कि डिस्क्रीट में क्या होता है और कंटिन्यूअस में. कंटिन्यूअस में एक इंटरवल फॉर्म हो रहा होगा और डिस्क्रीट में ये काउंटेबली फाइनाइट या इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं. इज दिस क्लियर? एक और पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें जो इम्पोर्टेंट है और वो है, आप लिख लीजिए नोट, values of a discrete random variable, values of a discrete create random variable generally obtained by counting while those of a continuous random variable are obtained by measurement. इस तरह से सोच सकते हैं. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. राइट डाउन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. सर आप एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? लिखो लिखो. राइट डाउन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं. ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो है, यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया है. ठीक है, तो ये जो पी आई है इसी को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं. पी आई को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. और इसकी खासियत क्या है बताओ, कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है ये सब कैसी हैं? पॉजिटिव. और इन सब का सम कितना होगा? वन होगा. तो जो पी आई है इसी को ही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला जाता है. ठीक है, तो यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखो क्या है. लेट कैपिटल एक्स पी बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, नॉट ओनली डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पर अभी डिस्क्रीट के लिए समझा देते हैं. Random variable defined on a sample space S sample space S, and let S is equal to X1 sorry
सपोज स्लेट या सपोज यहां पर लिखो सपोज सपोज एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन इज अ रेंज सेट ऑफ x. देखो रेंडम वेरिएबल होगा क्या भाई दबे, ये x आएगा और ये इसकी डोमेन सैंपल स्पेस होगी, तो इसका रेंज सेट क्या है, लेट से ये x1 x2 x3 और ये x है, तो रेंडम वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो x1 x2 x3 xn आ सकती है ना. देन द फंक्शन p देन द फंक्शन पी विच इज असाइन अ नंबर विच इज असाइन अ नंबर नंबर पी आई इज इक्वल टू पी व्हेन रेंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्स आई. ये जो नंबर है ये है फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स आई, फॉर ईच वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्स आई इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, इसको पी एम एफ बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कॉल्ड पी एम एफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इफ, इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलेंगे इफ क्या कंडीशन है. पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कि पी आई की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू थ्री अप टू जितने भी एन आ रहे ना, जितने भी ये आउट रेंडम वेरिएबल है हर एक केस की प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए वो जीरो या उससे बड़ी होनी चाहिए. और दूसरी कंडीशन है, अब चूंकि ये प्रोबेबिलिटी पूरे रेंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो समेशन ऑफ पी आई, समेशन ऑफ पी आई आई इज मूविंग फ्रॉम वन टू एन, ये कितना होना चाहिए, ये वन होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी किस पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, वन, वन हो जाएगा. तो ये चीज हमने पहले ही देख ली थी यहाँ पे कि यदि आपने देखा कि किस तरह से हमने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है ये टेबल, और इसमें जितने भी रेंडम वेरिएबल थे जीरो वन टू थ्री ये इसकी जो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं वो सब जीरो से जीरो या उससे बड़ी हैं, और इन सब की प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो कितना आ रहा था, वन आ रहा था. ये हमने देखा यहाँ पे, देखा ये देखो ये आ रहा है प्रोबेबिलिटीज का सम बन आ रहा है. तो यही चीज कहता है कि किसी भी ये पी आई इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब ये पी आई से है, पी आई से इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. नोट डाउन दिस, नोट करो फटाफट, हो गया. अच्छा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो फटाफट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसके बारे में लिखो, क्या है, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स आई कॉमा पी आई where I is equal to 1, 2, 3 up to n is called probability distribution, is called probability distribution, distribution
ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स या कैपिटल एक्स ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे देख लीजिए कि एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, और ये लिख देते हैं पी आई इज इक्वल टू पी व्हेन रेंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा है ना। तो अब यहाँ पे इस तरह से टेबल बना ली, टेबल बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स वन आ गया और इसकी प्रोबेबिलिटी पी वन हो गई, स्मॉल पी वन। फिर रेंडम वेरिएबल एक्स टू आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई टू। ऐसे ही इस तरह से चलता रहेगा, है ना। और ऐसे ही लास्ट में हमने लिख दिया एक्स एन है और इसका प्रोबेबिलिटी है पी एन, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। तो अब आपने क्या किया, ये सेट बना दिया कि नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसका सेट बन गया ना, इसका करस्पॉन्डिंग। तो फिर ये जो टेबल है, इसीलिए तो इस टेबल को नाम दे देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इज दिस क्लियर? नोट डाउन दिस। चाहे आप वैसे लिख दीजिए इस ऐसे फॉर्मेट में, या फिर आप टेबल बना के इसको इस तरह से लिख दीजिए, तो ये जो लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट लिख लीजिए। हाँ, नोट डाउन दिस। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। वेरीफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी रिगार्डेड एज पीएमएफ ऑफ द रेंडम वेरिएबल एक्स। पता नहीं कि इनमें इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला जा सकता है कि नहीं, है ना। देयर आर फोर क्वेश्चंस, 1, 2, 3, and 4, आंसर देम। देखो इसमें क्या दिया गया है, पहले वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी रिगार्डेड एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स और नॉट। तो सबसे पहले देखना है कि ये जो पी आई है, ये जितने भी है, ये सब पॉजिटिव है कि नहीं। सब पॉजिटिव है तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, और दूसरा कंडीशन इन सब का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से, 3, 3, 6 और ये 1 आ रहा है सम, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला सिचुएशन देखें कि एक्स की वैल्यू जो है 0 है, 0, 1 and 2 और अदरवाइज, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन है क्या, ये एक्स स्क्वायर बाई 5। 0 रखेंगे तो ये 0 प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1/5 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर मतलब 4/5 आएगा। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है सब, और इन सब का सम 1 है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन क्या ये है, देखो यहाँ पे तो ये तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटीज कभी नेगेटिव आती है क्या, नहीं आती है। भले ही इसका सम 1 हो लेकिन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आती है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अच्छा फोर्थ देखें। अब इसमें देखो प्रोबेबिलिटी जो डिफाइन है एक्स माइनस 5/4 आ रहा है, तो यहाँ पे ये रेंडम वेरिएबल एक्स लेट से 5.5 ले लेते हैं, 6.5 ले लेते हैं और 7.5 जिस तरह से गिवन है, और उसकी करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5.5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5/4 देखो ध्यान से, और 6.5 रखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 1.5/4 और 7.5 रखेंगे तो 2.5/4। सबसे पहले देखो सारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव हैं, और इन सब सम करेंगे तो कितना आएगा, सम करेंगे तो कितना आएगा, सम 1 से बड़ा आ रहा है ना, देखो ध्यान से प्रोबेबिलिटीज का सम आ रहा है। देखो ये कितना, ये 2 हो गया, 2 और 2, 4.5/4, तो प्रोबेबिलिटीज का सम 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं हो सकता। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है, टू फेयर डाइसेस आर थ्रोन
throat, full stop. Find the probability distribution, t distribution find the probability distribution of the sum of the numbers numbers appearing on the uppermost face, appearing on the uppermost face. आंसर करो. देखो यहाँ इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये देख लेते हैं. देखो रेंडम वेरिएबल लेट से एक्स है, तो सम क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू सम की 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 हो सकता है, 4 आ सकता है सम, 5 आ सकता है, 6, 7, 8, 8 सम आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है सम, 11 आ सकता है और 12 आ सकता है. यही आ सकता है ना सम, रैंडम वेरिएबल है ना. लेट्स से सैंपल स्पेस S को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन रैंडम वेरिएबल में, सैंपल स्पेस S को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. दो डाइस को यदि आप थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36 36 आउटकम विल बी देयर. अब यहाँ पे ये देखो सैंपल स्पेस S यदि रैंडम वेरिएबल 2 है तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, 1,1 ना. 3 में क्या आ जाएगा, 1,2 आएगा एंड 2,1 आएगा. सम 4 है, सम 4 का मतलब है 1,3, 2,2 एंड 3,1 ऐसा आ गया, ये 4 सम हो गया. 5 का सम मतलब 1,4, 2,3, 3,2 एंड 4,1 ये 5 सम आ गया. 6 का मतलब है 1,5 आ सकता है इसमें, देन 2,4 आ सकता है, देन 3,3 हो गया, 4,2 आ गया, 5,1 आ गया, ये 6 हो गया. 7 में 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, देन 5,2, देन 6,1 ये आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं. अच्छा 8 सम आए, 8 सम के लिए तो ये अगर 2,6 आ सकता है, 3,5, देन 4,4 आ सकता है एंड देन 5,3 आ सकता है एंड देन 6,2 आ सकता है. 9 सम में आ जाएगा 3,6, देन 4,5 एंड देन यहाँ पे 5,6 हो गया, सॉरी 5,4 एंड देन 6,3. और 10 सम के लिए 4,6 हो गया, देन 5,5 हो गया एंड देन 6,4 और 11 5,6 एंड देन 6,5 हो गया और यहाँ पे देखो 12 ये 6,6 इस तरह से आ जाएगा. तो आप क्या देख रहे हैं कि आपने क्या किया, पूरे सैंपल स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर रैंडम वेरिएबल एक्स में.
समझ है? अब हमें क्या करना है, इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज जो आएगा, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, तो यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू पी व्हेन रेंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स रेंडम वेरिएबल है, तो बताओ यहाँ पे ये 1.1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्या 1/36 होगी? देखो ध्यान से, अरे एन एस कितना है, एन एस कितना है 36, 6 × 6 36 है। तो एन एस कितना है 36 है, तो पर्टिकुलर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/36 हो जाएगी। अच्छा हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 हो गई, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, देखो क्या ये 2/36 हो जाएगा, ये 3/36 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4/36, पर्टिकुलर यहाँ पे 5/36 हो जाएगा, और ये सिक्स 6/36, यहाँ पे ये 5/36 हो गया, यहाँ पे 4/36, एंड देन 3/36, एंड देन 2/36, एंड देन 1/36। तो ये जो रेंडम वेरिएबल एक्स है इसके करस्पॉन्डिंग आपने ये जो प्रोबेबिलिटी लिख दी है, यही क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हाँ डिस्ट्रीब्यूशन में ये एस हट जाएगा बीच वाला, और एक्स और ये बनेगा। समझ आया कि कैसे लिखना है? सर, तो एक टेबल और बनानी पड़ेगी जिसमें एक्स और पी आई होगा, करस्पॉन्डिंग पी आई होगा। नोट ऑन दिस, हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, इट इज नोन दैट, इट इज नोन दैट That a box of 8 batteries, a box of 8 batteries is contains 3 defective pieces. थ्री डिफेक्टिव पीसेस पीसेस थ्री डिफेक्टिव पीसेस एंड पीसेस एंड अ पर्सन रेंडमली सिलेक्ट, रेंडमली सेलेक्ट 2 batteries रेज फ्रॉम दिस बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बैटरी, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बैटरीज। आंसर करो, आंसर इट। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि बॉक्स में 8 बैटरीज हैं जिसमें 3 डिफेक्टिव पीस हैं। पर्सन सिलेक्टेड 2 बैटरीज रेंडमली फ्रॉम दिस बॉक्स
and find the probability distribution for the number of defective batteries. तो x जो है random variable क्या है numbers of defective batteries. नंबर ऑफ डिफेक्टिव बैटरीज x के बारे में बात करनी है, ठीक है. तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं बताना. जीरो डिफेक्टिव बैटरीज हो, वन हो, टू हो. टू ही तो हो सकती हैं क्योंकि दो ही सिलेक्ट करने हैं. देखो ध्यान से, एक भी डिफेक्टिव ना हो, वन डिफेक्टिव हो और या टू डिफेक्टिव हो, यही हो सकता, पॉसिबल हो सकती है और इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है. तो जब x की वैल्यू जीरो है तो प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू जीरो, नो डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी. देखो दो बैटरीज उसने सेलेक्ट की फ्रॉम एट बैटरीज, आउट ऑफ देम थ्री आर डिफेक्टिव, तो क्या होगा ये, क्या एक भी डिफेक्टिव नहीं है तो 5C2 अपॉन 8C2 आएगा क्या ये प्रॉब्लम. देखो ध्यान से, तो 5C2 कितना हो गया 10 और 8C2 28 होता है. तो ये हो गया 10 by 28 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया. अच्छा दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब एक डिफेक्टिव है और आपने दो बैटरीज सेलेक्ट की हैं, तो एक डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5C1 और इनटू 3C1, क्योंकि 5 नॉन डिफेक्टिव हैं और 3 डिफेक्टिव हैं, तो अपॉन कितना हो जाएगा 8C2 और ये कितना हो गया 15 अपॉन 8C2 28 होता है ना, 4 × 7 = 28, ठीक है, ये px आ गया. अच्छा नेक्स्ट है, वी हैव वन मोर, px इज इक्वल टू 2, 2 डिफेक्टिव है दोनों, तो ये कितना हो जाएगा 3c2 अपॉन 8c2 आ जाएगा, 3c2 कितना होता है 3 अपॉन 28 हो गया. तो बस ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, अब क्या करोगे, एक टेबल बनानी है आपको, यू नीड टू मेक अ टेबल ताकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सको आप, है ना. तो यहाँ पे इस तरह से आप टेबल बना लीजिए एंड x इज इक्वल टू कैपिटल x और यहाँ पे pi या फिर ऐसे लिख देते हैं px इक्वल टू स्मॉल x, ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से लिख सकते हैं. तीन ही पार्ट है तो तीन पार्ट में आप इसको लिख सकते हो. तो यहाँ पे पहला क्या है, जीरो रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू जीरो, वन एंड देन टू आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 10 by 28 और वन की प्रोबेबिलिटी ये 15 by 28 एंड यहाँ पे टू की 3 by 28. देखो सही है, ये आ जाएगा एंड इसको यही बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इज दिस क्लियर, राइट. और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, x is a discrete random variable with the following probability distribution table, है ना. तो आपको ये चार क्वेश्चन के आंसर करने हैं, आंसर दें. चलो बताते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है. पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वन इज p when random variable x less than 1. तो when रैंडम वेरिएबल लेस देन 1 है तो रैंडम वेरिएबल इसमें है कितना, 0, 1, 2, 3 and 4, यही सब है ना रैंडम वेरिएबल की वैल्यू. जब रैंडम वेरिएबल लेस देन 1 तो 1 से छोटा सिर्फ 0 ही है, तो दैट इज p रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 0 ऐसा आएगा. और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, तो ये पहला का आंसर हो गया 0.1 हो जाएगा. दूसरे का आंसर क्या होगा, ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो रैंडम वेरिएबल 3 या उससे बड़ा है, तो 3 और ये इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू 3
प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 4, ऐसा आ जाएगा। तो 3 पे 0.15 प्लस 0.25, तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 0.4 ना, ये आ जाएगा। हाँ। सेकंड का आंसर ही आ जाएगा। थर्ड सिचुएशन है, देखो थर्ड में क्या है, प्रोबेबिलिटी व्हेन 1 लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन 4, तो बताओ इसमें कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। देखो 1 तो आएगी नहीं क्योंकि एक्स 1 नहीं है, इक्वल नहीं है, तो 1 से बड़ा कौन है, देखो 2 है रैंडम वेरिएबल और 3 है, 4 भी नहीं आएगा, तो मतलब ये दोनों प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.15, तो कितना हो जाएगा, 0.45 आ जाएगा, 0. ये तीसरा, समझ आया, इज दिस क्लियर। एंड देन वी हैव फोर्थ वन है प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, देखो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आ जाएगा, है ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, 0.3 0.15 प्लस 0.25, तो ऐड होके कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों का एडिशन तो इतना है, तो ये दोनों ऐड होके 60-70, 0.7 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आएगी, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, तो राइट, तो बस 0.25 वो 4 का है ना, हां सर वही, वो 3 है ना, 3 में आएगा, हां 3 में आएगा ना, क्या दिक्कत है, तो नहीं बट इट्स लाइक वेट, हमने गलत कर दिया, हां तो वही ये नहीं आएगा, है ना, तो सेम आएगा पिछले वाले जैसे, हां ये गड़बड़ हो गया, गुड, तो ये 0.45 हो गया, यही आंसर आएगा, अभी गलत हो जाता, नोट डन, नोट करो फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना, सी डी एफ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और सिंबॉलिकली हम लोग कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इससे डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है, जैसे रैंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स है, और ये हो गया लेट्स से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इस तरह से एक्स एन है, यहाँ पे बीच में लेट्स से एक्स आर है, और फिर ऐसे चलते चलते एक्स एन है, ठीक है, और इनकी करस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटी है पी आई इक्वल टू पी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स आई पी एक्स, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है लेट से पी वन, और इसकी प्रोबेबिलिटी पी टू पी थ्री, ऐसे ही पी आर हो गया, और यहाँ पे पी एन प्रोबेबिलिटीज हो गए, तो ये क्या हो गया, क्या लिख दिया बताओ, ये लिखा हुआ है हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, ठीक, इस तरह से कर दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई, एंड यहाँ पे इस तरह से। अब ये सिचुएशन हो गई इस तरह से, इसे आप टेबल बना लीजिए, इस टेबल को
ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कई बार इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल देते, सिर्फ सॉरी क्यूमुलेटिव हटा के सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल देते हैं, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एफ एक्स आई है क्या भाई? दबे एफ एक्स आई का क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी व्हेन कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स आई। एफ एक्स आई का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटीज व्हेन रेंडम वेरिएबल लेस देन और इक्वल टू एक्स आई। जैसे मैं कहूं कि एफ ऑफ एक्स टू की बात करूं, एक्स टू मतलब इस यहाँ पे ये, तो ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी व्हेन रेंडम वेरिएबल एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स टू, एक्स टू से छोटा। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। वी आर अज्यूमिंग दैट एक्स वन लेस देन एक्स टू लेस देन एक्स थ्री लेस देन एंड सो ऑन एंड एक्स एन, इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स टू में क्या क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा p1 आ जाएगा प्लस p2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा f ऑफ x 4 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी व्हेन x लेस देन और इक्वल टू x4, मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा? देखो p1 आ जाएगा प्लस p2 आ जाएगा प्लस p3 आ जाएगा प्लस p4 आ जाएगा, तो ये क्यूमुलेटिव हो गया। तो अब यहाँ पे यदि हम इस तरह से देखें कि यहाँ पे यदि बना है एफ ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे पी वन आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? पी वन प्लस पी टू आ जाएगा, और यहाँ पे पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री आ जाएगा, ये सब का सम, और यहाँ पे पी एन सब पूरा सम, पी वन प्लस पी टू प्लस ऐसे डॉट 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 प्लस पी एन। और बाय द वे इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? वन होता है, वन होता है ना, तो लास्ट में कितना आएगा? ये वन आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एक एग्जांपल नोट डाउन दिस, पहले ये नोट ले लीजिए। लेट्स से एक एग्जांपल लिखते हैं, है ना, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लेट्स से एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पे ये, हाँ यहाँ ये जीरो हो गया, वन हो गया, टू थ्री फोर चलेगा, और यहाँ पे इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हो गई पी आई, प्रोबेबिलिटी हो गई लेट से के टू के थ्री के फोर के एंड लेट से टू के, ऐसा ले लिया। तो सबसे पहले तो ये बताओ मास फंक्शन होना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? इन सब का सम कितना होना चाहिए? 4, 5, 12 आना चाहिए ना? अच्छा सर, टोटल 1 आना चाहिए। हाँ, सबकी प्रोबेबिलिटी और टोटल 1 आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 9 9 10 11 12, मतलब 12 के का वैल्यू कितना आना चाहिए? 1, मतलब के का वैल्यू कितना हो गया? 1 बाई 12। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, लेट्स से हमने एज्यूम कर लिया कि के की वैल्यू 1/12 है, तो यहाँ पे यदि हम एफ एक्स की बात करें तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ये तो के आ जाएगा, मतलब 1/12 आ जाएगा, 1/12। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3k मतलब 3/12 आ गया, है ना, और ये यहाँ पे ये इन सब का एडिशन हो जाएगा तो कितना? 6k मतलब 6/12, यहाँ से यहाँ इन सब का एडिशन हो जाएगा यहाँ तक तो कितना हो गया? ये 10k हो जाएगा, तो ये 10/12 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 तो ये 12/12 ये 1 हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बना दिया, लिख दिया इसका करस्पॉन्डिंग, समझ आए? तो ये चीज याद रखना, मेन चीज याद क्या रखना है कि जो एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया गया ये है प्रोबेबिलिटी व्हेन रेंडम वेरिएबल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, सी डी एफ। जैसे एक्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती थी ना,
कि फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती थी क्यूमुलेटिव है, तो यहाँ पे ऐसी प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाती हैं। ठीक है, नोट हाँ सर, नोट डाउन, नोट डाउन दिस। अब आप आ जाइए इधर, देखते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका थोड़ा जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं, क्या डेफिनेशन दिया हुआ है। द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ एंड डिफाइंड एज फॉलो। इस तरह से डिफाइन किया जाता है। क्या है देखो, ये तो आपको बता ही दिया ना, ये मोटा हिसाब है, और इसी चीज को यदि आप देखोगे प्रोबेबिलिटीज में तो इस तरह से लिखा है। अब यहाँ पे देखो ये एक्स आई लेस देन और एक्स नहीं, ये इक्वल टू है, यहाँ पे ये लिख लीजिए इक्वल टू है बच्चा, ये इन्होंने थोड़ा मिस कर दिया, लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है पी। तो आई थिंक ये समझ आया होगा, है ना, ये पी एफ एक्स आई जो जो पी आई होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को, इसी को एफ एक्स आई से डिनोट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा, इतना ही याद रखा तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें ना, नहीं आई थिंक ये समझ आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में कि ये रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, देखो एफ एक्स जो पी आई लिखा था ना उसको एफ एक्स से डिनोट कर दे, स्मॉल एफ एक्स से। तो ये ध्यान रखना कैपिटल एफ एक्स और स्मॉल एफ एक्स दोनों का अलग अलग मीनिंग है, सिंबॉलिकली अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ एफ स्मॉल एफ एक्स जो है वो पी आई का काम कर रहा है, और इसकी प्रॉबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो, देखो ये 1/16, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, देखो 4/16 + 1 5/16, और फिर ये इन तीनों का एडिशन, ये और ये पूरा ऐड हो जाएगा, कितना 6 + 5 11/16 हो जाएगा। तो 11/16 + 1/4 मतलब 4/16, तो ये 15/16 हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या ये वन बात क्लियर हुई किस तरह से आसुन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जा रहा है ना। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ी देर में करते हैं, पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन, सॉल्व करो दिस क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इस तरह से डिफाइन किया गया, ये टेबल बनाओ, कंस्ट्रक्ट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑब्टेन दीज वैल्यूज, आंसर करो। देखो इस बार यहाँ पे ध्यान से देखो कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव भी है, तो मतलब नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसा थोड़ा ना कि हमेशा, और फ्रैक्शन कुछ रैशनल इरेशनल सब हो सकता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि रैंडम वेरिएबल नेगेटिव नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है ये, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि कंस्ट्रक्ट CDF ऑफ एक्स, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे फिर से टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे लिख दे क्या, यहीं पे कर दे क्या, या इनफैक्ट यहाँ पे इतने में कर दें क्या, चलेगा? आई थिंक हाँ अलग से कौन बनाए इसको, इधर ही कर देते हैं इतने में, समझ में तो आने, समझ नहीं थे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स लिख देते हैं, तो एफ एक्स ऑलरेडी हमें पता है कि एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल एक्स लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, है ना। तो यहाँ पे इससे इसके इससे छोटी जो प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा 0.05, चलेगा। और यहाँ पे इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, देखो 0.25 हो जाएगा, 0.25, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2.25 और 0.15 कितना हो जाएगा, 0.4, 0.4 हो जाएगा, और इन दोनों का सम 0.65 हो जाएगा, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, देखो 1 आ जाएगा। तो ये आपने क्या लिख दिया, कंस्ट्रक्ट CDF ऑफ एफ, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई। इज दिस क्लियर? नाउ हाँ द सर,
सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, ऑब्टेन पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 0.5। तो 0.5 का क्या मतलब, क्या ये एफ 0.5 हो जाएगा? अरे देखो ना, हाँ सर, है ना, 0.5 एफ क्या यही है 0.4? 0.4 हो गया, यही आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0. सॉरी -1.5, और या फिर प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू -0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0.5, ऐसा यहाँ तक ये सम करना पड़ता। तो 0.05 प्लस 0.2 प्लस 0.15, और वैल्यू कितनी आ जाती फिर 0.4। देखो उतना ही आता है, तो ऑलरेडी हमें पता है इसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पता है, तो हम डायरेक्ट ये डेफिनेशन लगा देंगे। और ऑलरेडी हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट ये निकालेंगे एफ ऑफ 0.5, और ये कितना है 0.4 है, ऐसे लिख दिया। अच्छा नेक्स्ट, थर्ड सेकेंड का ही नेक्स्ट पार्ट है कि एफ ऑफ -0.5 की बात करें। -0.5 मतलब है ये प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स लेस देन और इक्वल टू -0.5। तो -0.5 क्या ये आ जाएगा, ये लिखा हुआ ना -0.5, या डायरेक्ट ही लिख सकते हैं -0.5 क्या ये है ना 0.25। देखो ध्यान से 0.25, इज दिस क्लियर? या फिर इन दोनों को ऐड कर दो, या फिर डायरेक्ट हमने एफ एक्स लिख ही लिया है तो ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया कि एफ ऑफ टू कितना होगा। एफ ऑफ टू तो भाई टू कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ना। एफ ऑफ टू मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स लेस देन और इक्वल टू टू। तो अब यहाँ पे टू तो है नहीं, टू से जितना, तो दिस विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1.5, इसके इक्वल हो जाएगा 1.5 के। और ये है क्या बाय द वे, दिस इज एफ ऑफ 1.5, और 1.5 कितना आ जाएगा 0.65। देखो ध्यान से, क्या इतनी बात क्लियर है, कोई हाँ डाउट? सर, नहीं सर, वी हैव वन मोर प्रोबेबिलिटी, ये वाला सिचुएशन, ये कितना आ जाएगा सोच के बताओ, कितना आना चाहिए। ये एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, जबकि ये 2.5 तक ही है, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2.5 इतने तक ही आएगा, और ये 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, या फिर 1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये है क्या, ये हो जाएगा एफ ऑफ 2.5 हो जाएगा, और 2.5 ये 1 आता है, ऐसे लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें, एनी नहीं क्वेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन सॉल्व अनदर क्वेश्चन, सॉल्व करो। इन द फॉलोइंग टेबल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन एज इट इज, इस तरह से गिवन है। फाइंड पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बताना है इसमें, एंड कंप्यूट दिस, आंसर करो। यहाँ पे देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो आप सॉल्व करो इसको। देखो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालना है, तो एक काम करें क्या, इधर ही कर देंगे, यहाँ पे नीचे थोड़ी सी जगह, यहाँ पे ये टेबल बना देते हैं, क्योंकि अलग से टेबल बनाना तो ठीक नहीं है इतनी वाली जगह में। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब स्मॉल एफ एक्स की बात कर रहा है, या पीआई की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये तो कितना हो जाएगा 0.2 ही हो जाएगा, देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो दिक्कत नहीं है। अच्छा 0.5 में से ये सबट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, 0.5 में से ये सबट्रैक्ट करें
तो मिलेगा 0.3 ना। अच्छा, और इसमें से ये सबट्रैक्ट करें, 0.65 में से 0.5 सबट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 0.15, ऐसा हो गया। 0.9 में से ये सबट्रैक्ट करें तो 0.25 आ जाएगा, है ना। और इसमें से ये सबट्रैक्ट करें तो 0.1 आ जाएगा। देखो ध्यान से, 0.1, 0.25, इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो ये क्या बनेगा, फाइंड पीएमएफ ऑफ एक्स। तो ये पीएमएफ हो गया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया। अच्छा, सेकंड सेकंड पार्ट में क्या बोला, कंप्यूट पी लेस देन जीरो लेस सॉरी प्रोबेबिलिटी व्हेन जीरो लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन टू है, जीरो लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन टू। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जीरो तो आएगा नहीं, टू भी नहीं आएगा, क्या सिर्फ वन आ जाएगा, वन की प्रोबेबिलिटी, है ना। दैट इज प्रोबेबिलिटी व्हेन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू वन, क्योंकि जीरो भी नहीं आ रहा है और टू भी नहीं आ रहा है, तो वन आ रहा है। तो दैट इज 0.25 आ जाएगा, 0.25 हो गया, एक्स इज इक्वल टू वन, 0.25, 0.25 आ गया ये। अच्छा, देन प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स ग्रेटर देन वन, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स ग्रेटर देन वन जो है वन से बड़ा तो इस टू ही है, ये आ जाएगा। दैट इज प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू। तो ये कितना आएगा बाय द वे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू इज 0.1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो ये कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स लेस देन और इक्वल टू टू व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो ऑलरेडी बीन गिवन। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, जीरो लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू टू अपॉन प्रोबेबिलिटी व्हेन कैपिटल एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये है आएगा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरह से वर्क करेगी। देखो क्या ये इस चीज समझ आई इतनी तुम्हें, है हाँ ना। तो अभी कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पे जीरो और टू, तो जीरो से बड़ा टू, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी ना। देखो ध्यान से, मतलब वन और टू दोनों ही प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी, जीरो तो आएगी नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 प्लस 0.1, 0.35 आ जाएगा अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, क्या ये इतना ही आ रहा है, 0.35। देखना ध्यान से, आई थिंक हाँ सर, है ना, इतना ही आ रहा है। तो बाय द वे ये क्या हो गया, ये तो वन आ रहा है आंसर, चेक करो इसको। हाँ सर, क्लियर हुआ क्या बच्चा, इज दिस क्लियर, हाँ सर, कोई डाउट इसमें नहीं। नहीं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये गिवन है, फाइंड के और ये दो वैल्यू, ऑब्टेन द CDF ऑफ एक्स, आंसर करो। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो K फाइंड करना है इसको, है ना। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, तो समेशन ऑफ पी आई जो कि कितना होता है, वन होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये K प्लस 3K प्लस 5K प्लस डॉट 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 प्लस कितना, 13K। बाय द वे इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, 11, 24, 24, 9, 33, 33, 7, 40, 45, 48, 49, 49 की आ जाएगा। तो K का वैल्यू कितना आ गया, K का वैल्यू K इज इक्वल टू 1/49 हो गया, ठीक है। तो ये तो मिल गया, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि P x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो
ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू टू, टू या उससे बड़ा। अब देखो ये इतना सारे ऐड करने से अच्छा है एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या, क्या इसको ऐसे लिख दें, दैट इज वन माइनस पी एक्स लेस देन और इक्वल टू वन, चलेगा? देखो ध्यान से, देखो इन सब का ऐड एडिशन टू या उससे बड़ा, इन सब का एडिशन, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि दिस एडिशन इज वन माइनस एडिशन ऑफ दिस, क्योंकि इन सब का प्रोडक्ट, इन सब का एडिशन वन है, तो वन में से इन सब की प्रोबेबिलिटी सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख दी हमने, क्या ये बात समझ आई? तो या फिर हम पूरा ये सब ऐड करते रहें तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, वन या से कम है तो थ्री फोर के आ जाएगा, फोर के, फोर के एंड दैट इज वन माइनस फोर के इज वन बाई फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन तो कितना हो जाएगा, फोर्टी नाइन माइनस फाइव फोर्टी फाइव बाई फोर्टी नाइन, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी जीरो लेस देन कैपिटल एक्स, जीरो लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन फोर, प्रोबेबिलिटी जीरो लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन फोर, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे वन टू थ्री, वन टू थ्री ये सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी, तो मतलब थ्री के प्लस फाइव के प्लस सेवन के, वन टू थ्री है ना, तो थ्री के फाइव के प्लस सेवन के, तो इन सब का एडिशन कितना हो जाएगा, फिफ्टीन के आ जाएगा, फिफ्टीन के। तो ये k का वैल्यू रख देते हैं, k का वैल्यू 1 बाई 49, तो 15 बाई 49 हो जाएगा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी k का वैल्यू, समझ है? अब पूछा गया ऑब्टेन द सी डी एफ ऑफ x, तो सी डी एफ यहीं पे कर देंगे, इतने में करना पड़ेगा है ना, जगह नहीं है, या फिर अलग से टेबल बना है। यहाँ पे इसको इस तरह से बना देते हैं, है ना? यहाँ पे इसको कैपिटल एफ एक्स लिखेंगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो यहाँ के लिख देते हैं, ऑब्वियसली तुम्हें के की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1/49, तो ये कितना हो गया 1/49 आ जाएगा, थ्री और ये प्लस वन, फोर के आ जाएगा, फोर बाई फोर्टी नाइन आ जाएगा, फोर प्लस फाइव नाइन बाई फोर्टी नाइन आ जाएगा, नाइन और नौ सात सोलह, सिक्सटीन बाई फोर्टी नाइन आ जाएगा, सोलह और नौ पच्चीस, ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टी नाइन आ जाएगा, पच्चीस और ग्यारह थर्टी सिक्स बाई फोर्टी नाइन आ जाएगा, एंड थर्टी सिक्स एंड थर्टीन तो ये कितना हो जाएगा, वन आ जाएगा ना, 49 बाई 49 तो ये वन आ जाएगा, इस तरह से बनेगा। क्या ये बात समझ आए? इज दिस क्लियर? हां हां सर, है ना। सॉल्व अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन शेयर करता हूं, सॉल्व करो इसको। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलो, ये गिवन है, वैल्यू ऑफ दिस, ऑब्टेन द सीडीएफ एंड स्केच इस ग्राफ, ग्राफ भी स्केच करना है। Answer it. देखो इसमें करने क्या है, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, रेंडम वेरिएबल x, तो रेंडम वेरिएबल x की वैल्यू कितनी है, जीरो वन टू, और बाकी के सबके लिए जीरो है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक जीरो लिख लेता हूँ और यहाँ पे वन लिख लेता हूँ और एक टू, चलेगा? यही है, और इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है पी आई, जीरो पे प्रोबेबिलिटी है थ्री के क्यूब, और यहाँ पे वन पे फोर के माइनस टेन के स्क्वायर, और टू पे प्रोबेबिलिटी है फाइव के माइनस वन, फाइव के माइनस वन, ये टू रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट है,
तो सबसे पहले तो ये के का वैल्यू पता करना है, फाइंड के, और फिर इसमें सी डी एफ पता करना है। तो इसी को पी आई को मैं एक बार फिर से लिखूंगा वो के की वैल्यू पुटअप करने के बाद, फिर इसका लिखूंगा इसमें सी डी एफ, सी डी एफ मतलब कैपिटल एफ एक्स लिखूंगा इसमें, ठीक है। ये सारा सिचुएशन बना देता हूँ ऐसा। टेबल समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वन, कि समेशन ऑफ पी आई ये वन होता है, इसका मतलब है कि थ्री के क्यूब प्लस फोर के माइनस टेन के स्क्वायर प्लस फाइव के माइनस वन, फाइव के माइनस वन इज इक्वल टू वन होना चाहिए, ये वन आना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिलेगा, थ्री के क्यूब एंड हेयर वी हैव टेन के स्क्वायर प्लस नाइन के माइनस टू इक्वल टू जीरो। देखो ध्यान से, सही है क्या? अब आठ दो दस हो रहे और नौ तीन बारह, थ्री के क्यूब माइनस टू, बिल्कुल ठीक है, यही आएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो के में ये पॉलिनोमियल है, अब थोड़ा हिट एंड ट्रायल देखना पड़ेगा कि के का वैल्यू यदि वन पुट कर दें, के का वैल्यू वन पुट कर दें तो देखो ये जीरो हो रहा है कि नहीं, नौ तीन बारह और दस दो बारह जीरो हो रहा है, मतलब इसका एक फैक्टर तो हो गया के माइनस वन, के माइनस वन फैक्टर हो गया तो किससे, के माइनस वन से डिवाइड कर दें इसको, तो देखो थ्री के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री के क्यूब माइनस थ्री के स्क्वायर माइनस थ्री के स्क्वायर, तो ये माइनस टेन आ गया, तो माइनस सेवन के, तो माइनस टेन के स्क्वायर प्लस सेवन के, प्लस सेवन के, और यहाँ पे प्लस नाइन के है तो अभी टू के और चाहिए तो प्लस टू और चाहिए, तो टू के माइनस टू, तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा वन वन लाइन में, ये किया आ गया। अच्छा और क्या है, इसके भी फैक्टर हो सकते हैं क्या? देखो के माइनस वन आ गया तो यहाँ पे थ्री के स्क्वायर माइनस सिक्स के एंड माइनस के प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, इसके फैक्टर हो जाएंगे, और ये फैक्टर कितना, थ्री के कॉमन ले लेते हैं, पर्टिकुलर इसको सॉल्व कर रहे हैं, थ्री के कॉमन ले लेते हैं तो के माइनस टू, माइनस वन कॉमन ले लेते हैं माइनस वन, तो k माइनस टू इक्वल टू जीरो, सो दिस इज थ्री के माइनस वन एंड k माइनस टू, ये इतने का हो गया, और k माइनस वन तो है ही, k माइनस वन ये है इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ये सिचुएशंस आ गए, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि k की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू वन बाई थ्री आ सकता है, टू आ सकता है, वन आ सकता है, लेकिन प्रॉबलिटी मास फंक्शन यदि होना है तो याद करो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए ये सब कैसे होने चाहिए, ये सब के सब वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन देखो के वन रखें टू रखें या ये सब रखें तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा इन सब के लिए, तो लेकिन मेन चीज यहाँ पे देखनी है, यदि वन पुट करते हैं यहाँ पे वन के लिए इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। देखो ध्यान से, वन पुट करेंगे तो फोर माइनस टेन तो माइनस सिक्स आएगा, तो वन नहीं हो सकता, कि यदि वन हुआ तो प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकती। टू रखें, टू रखने पे भी नेगेटिव आएगा, देखो चार दूना आठ हो गया, आठ और चालीस, आठ में से चालीस तो भी नेगेटिव आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन वन बाई थ्री पुट करें, वन बाई थ्री पुट करने पर ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये आ कितना आ रहा है, भाई देखिए पुट अप कर देते हैं तो ये क्या वन बाई नाइन आ जाएगा, वन बाई नाइन पुट कर दो इसमें वैल्यू, के की वैल्यू वन बाई थ्री, तो वन बाई नाइन हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, फाइव बाई थ्री माइनस वन, तो ये टू बाई थ्री आ जाएगा, टू बाई फाइव बाई थ्री माइनस वन, टू बाई थ्री। अब इसकी वैल्यू फोर के माइनस टेन के स्क्वायर, तो फोर बाई थ्री माइनस टेन बाई नाइन,
स्क्वायर मतलब 10/9, तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 2/9 आ गया, 3 3 4, 12 माइनस 10 2/9, तो ये 2/9 आ गया। देखो ध्यान से, क्या इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो रहा है, तो 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9/9, तो हो रहा है बिल्कुल, ये हो गया। तो k का वैल्यू पूछा जा रहा है कि फाइंड k, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी लिख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, ये आ जाएगा 1/9, फिर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 3/9, और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर पूछा जा रहा है पी एक्स लेस देन 1, पी एक्स लेस देन 1 क्या ये सिर्फ 0 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, पी एक्स लेस देन 1, 1 से छोटा जो 0 ही है, तो ये 1/9 आ जाएगा, सिर्फ 1/9। अच्छा इसमें बताओ 0 और 3 से छोटा, तो इसमें सिर्फ कितना आएगा, क्या 1 और 2 आ जाएगा, 1 और 2 दोनों ही आ रहे, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1/9, क्या ये 8/9 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड ऐड कर दें, या इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 8/9 आएगा, या फिर हम 1 माइनस 1/9 लिख सकते हैं, 8/9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज रहेगा, स्केच इस ग्राफ, तो आप ग्राफ बना सकते हो क्या, किस में ग्राफ बनाना है बताओ, क्या क्या बनाएंगे हम, एक्स लेंगे 0 1 2 इधर, और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिख देंगे, या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बना देंगे, अंडरस्टूड है क्या, दिस क्लियर। एक्स एक्सिस पे लिख देंगे हम ये रेंडम वेरिएबल, और वाई पे क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी बना देंगे, ठीक है। आई थिंक कि आज इतना ही करते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक। हाँ सर।